हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। आज था बिग बॉस का एपिसोड 10, था डे 9 था आज का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का दिन स्टार्ट हुआ वो ही सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस सॉन्ग से स्टार्ट हुआ। सब लोग डांस वांस कर रहे थे, तभी सबको पता चला था कि एक शिप रखा है बाहर, और उसी वजह से वो सॉन्ग डेडिकेट किया गया था। जो बाहर शिप था उसके बारे में सब लोग डिस्कशन कर रहे थे। इधर रोमिल सबको बोलता है ऐसे ऐसे है, उसमें ऐसे ऐसे बैठना है, उसका कैप्टन होगा। सबका मजाक उड़ाने के लिए वो ऐसे बोलता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कुछ ना कुछ अलग तरीके का टास्क होगा। लेकिन वो दीपक को वगैरह बोल देता है कि नहीं नहीं कैप्टन बनना है उसमें, और उस तरीके का टास्क है, वो मजाक के अंदाज में बोलता है। उधर सुबह सुबह दीपक का और सौरभ की थोड़ी अनबन हो जाती है। दीपक की तबीयत ठीक नहीं होती तो कृति बोल देती है बिग बॉस को, दीपक को सोना है और बिग बॉस उसको रेस्ट करने दो। और सौरभ भी बोलता है वो काम नहीं कर, सौरभ को लगता है कि वो नाटक कर रहा है, और सौरभ बोलता है वो काम नहीं करता है। तो दीपक गुस्सा हो जाता है, दीपक बोलता है मैंने जो मेरा काम है वो मैंने कंप्लीट किया है, मैं काम की वजह से नहीं बोल रहा। ऐसे वैसे उन दोनों का चलता है। आज का डे बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा टास्क दिया था बिग बॉस ने, मेरी समुद्र लुटेरे का टास्क था, जो हमने अभी अभी बिग बॉस मराठी में देखा है। बिग बॉस मराठी मध्ये मस्त टास्क झालेला होता, तो खुर्ची सम्राट आणि खुर्ची सम्राट टास्क मध्येच आपल्याला कळलेलं होतं की मेघा टीम किती स्ट्रॉंग आहे आणि मेघाच कशी विनर होणार आहे। सेम वैसा ही टास्क था, एक उसी टाइप का टास्क था। बिग बॉस 11 में भी वैसे वाला टास्क था, जो कि सामने वाली टीम को दूसरे टीम को टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे भी हैं अब तक के बिग बॉस में, लेकिन मराठी के ही बिग बॉस वालों को बहुत वो इंडस्ट्री पे कचरा डाला, ये डाला वो डाला, ऐसे वैसे हो रहा था। लेकिन आज का टास्क देख के तो बाप रे, कॉमनर्स तो हाइट हो गई थी कॉमनर्स पे। इतना ऐसा लग रहा था कि उनको अभी सामने वालों को उठाना ही है, उठे नहीं तो उन्हें जगह पे कुछ तो हो जाना चाहिए, उठने के लिए चांस भी नहीं देना चाहते थे। इतना जोर 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 से कुछ ना कुछ डाल रहे थे, और जो डाल रहे थे वो बता नहीं रहे थे क्या डाल रहे हैं, उनकी टीम मेंबर्स बता रहे थे। और दीपिका और करण ने आज ये जॉब बहुत अच्छे से किया था, श्रीशांत भी था उधर, लेकिन श्रीशांत का टेम्पर थोड़ा जल्दी हाई हो जाता है, इसलिए वो जो लैंग्वेज यूज करता है वो उसके ही खिलाफ जा सकती है, क्योंकि उसने सभा के लिए जो लैंग्वेज यूज की, एक्चुअली श्रीशांत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन पसंद नहीं आया तो दीपिका बहुत अच्छे तरीके से समझाती है, नहीं श्री आपको ऐसे नहीं करना है, आज तक ऐसे ही होता आया है, और बिग बॉस गेम में आए तो ये होना ही है, आपको कुछ भी अब्यूज नहीं करना है, किसी को भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन श्रीशांत का गुस्सा कुछ कम होने का नाम ही नहीं लेता, और श्रीशांत इमोशनल भी हो जाता है, रोना आता है श्रीशांत को, क्योंकि वो अलग तरीके का गेम खेल चुका है। एकदम स्पोर्टिंगली गेम कैसे खेलते हैं, या स्पोर्ट्समैन की तरह उसने गेम्स खेले हैं, किसी को इरिटेट नहीं किया है, इसलिए ये सब उसको नया था। और मुझे नहीं लगता कि श्रीशांत ने सब सीजन्स देखे होंगे, इसलिए वो उससे बोलने का भी नॉलेज थोड़ा कम ही लगता है, क्योंकि जो भी बोलता है मन में आता है वो सीधे से बोल देता है, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचता नहीं। समुद्री लुटेरे टास्क आया, समुद्री लुटेरे टास्क के बारे में जानते हैं। वो टास्क था कॉइंस का, जो कॉइंस थे वो लुटेरे जो है उनके हाथ में कॉइंस लेने थे, गोल्ड के कॉइंस थे। चार लोगों को ये टास्क करना था, श्रीशांत तो आउट था क्योंकि वो अनफिट था, डॉक्टर ने बोला था कि वो टास्क नहीं कर सकता, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें अलाउ नहीं किया था। चार लोग टास्क करने वाले थे, नेहा दीपिका करण एंड सृष्टि, ये चार लोग करने वाले थे, और जोड़ियां उन्हें परेशान करने वाली थी। जो शिप में एक चेयर रखी थी, चेयर पे बैठ के वो कॉइन लेके, जो कॉइन था उसे लेके बैठना था, कॉइन में नहीं छोड़ना था, और उसी जगह पे बैठ के वो टॉर्चर सहना था। अगर आपको नहीं सहन होता है तो आप उठ सकते थे, लेकिन जोड़ियों ने तो हद पार कर दी थी, बहुत ही टॉर्चर किया। फर्स्ट आई थी नेहा पेंट से ने तो उसकी बातों से, उसका जो सुलझी हुई उसकी बातें है, उससे थोड़ा सा लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तक कुछ उसने ऐसा किया नहीं था। आज के टास्क में जो उसने परफॉर्म किया है वो रियली बेस्ट था।
ब्रिलियंटली खेला था उसने, ना चिल्लम चिल्लम चिल्ली की थी, ना किसी को अब्यूज किया था, ना जोर से मुझे ऐसे हो रहा है मुझे वैसे हो रहा है, कुछ नहीं। अगर आपको नहीं आप कुछ टॉलरेट कर सकते तो आपको उठना है, ये उसने बात ठान ली थी। और अगर आपको नहीं उठना है तो आपको चुप रहना है, ये उसने मन में ठान लिया था। और अच्छे से वो एंजॉय करते हुए टास्क कर रही थी। पहले तो उन्होंने माइक नहीं निकाला था, इसकी वजह से जोर जोर से पानी सामने वाले कंटेस्टेंट ने नहीं फेंका था। आटा वाटा डालने, अंडा चाय पत्ती सब सब कुछ डाल रहे थे उसके ऊपर, फिर भी उसने एक भी बात नहीं बोली थी। मेरे बालों को क्या होगा, माउथ फ्रेशनर्स, माउथ वॉश कुछ भी उसके ऊपर डाला गया था, सब कुछ था। ओनली चिली चिली पाउडर नहीं थी इस सीजन में, किसी ने भी यूज नहीं की, बाकी सब नेहा के ऊपर डाला गया। लेकिन नेहा एकदम अच्छे तरीके से टास्क खेल रही थी, अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे रही थी। और बाहर से दीपिका करण उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, नेहा डरो मत अभी ऑरेंज आने वाले हैं, नेहा डरो मत अभी लेमन आने वाले हैं। तब भी सबको प्रॉब्लम हो रही थी, जोड़ियों को, सबा और सोमी बहुत गुस्सा हो रहे थे, आप क्यों बताते हैं, आप क्यों बीच बीच में बोलते हैं। एक्चुअली जो कंटेस्टेंट ये यूज कर रहे हैं उन्हें खुद बोलना चाहिए था कि हम ये यूज कर रहे हैं, अगर आपको उठना है तो उठ सकते हैं, पहले ही बोल देना चाहिए था डालते समय। एक्चुअली अगर आप नई चीज कुछ डाल रहे हैं, आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं मैं ये डाल रही हूं। लेकिन वो खुद तो लड़कियां होके खुद कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन जो बोल रहे उनको भी बोलने नहीं दे रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उठ भी जाओ, लेकिन अगर आपको जो कुछ साइड इफेक्ट होने हैं उससे भी आपको परेशान होना ही पड़ेगा। अगर नींबू आपके आंखों में चला गया है, नींबू आंखों में जाने के बाद आपका उठने का कुछ फायदा नहीं है ना। आप तो पहले बोल भी सकते थे मैं नींबू डालने वाली हूँ उठ जाओ, ही नहीं, फिर भी आपको पहले बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, खान सिस्टर ने बोला भी नहीं, लेकिन जो दीपिका बोल रही थी उससे भी वो मना कर रहे थे। सोडा वगैरह बहुत कुछ डाला था उन्होंने, सोडा से भी बहुत इचिंग होता है, फिर भी दीपिका ने सब चीजें, सॉरी नेहा ने सब टॉलरेट किया और अच्छी तरीके से टास्क किया। नेहा बहुत ही पसंद आई आज मुझे, नेहा और करणवीर ने आज टास्क अच्छी तरह से खेला। हम सबके बारे में बात करेंगे, सबने ही टास्क अच्छा खेला था, लेकिन एक भी बात किसी ने बोली नहीं थी वो नेहा और करण ने, अच्छे से उन्होंने बिहेव करके टास्क किया था। सामने वालों को जो करना है करने दो। सेकेंड कंटेस्टेंट आई दीपिका। दीपिका को बहुत ही जोर 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 से पानी डालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दीपिका वॉज प्लेइंग वेरी ब्रिलियंटली, अच्छे से प्ले किया था दीपिका ने। वो एक जगह से हिल रही थी क्योंकि पानी का अटैक कंटिन्यू हो रहा था, और वो जिस तरह से खुद को बचा रही थी इधर उधर होके, इधर उधर जाके, ऐसे तो बिग बॉस ने कहीं भी लिखा नहीं था कि आप इधर उधर हो नहीं सकते, पूरी तरह उठ के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन वो जगह पे ही हिल रही थी। फिर भी रोशनी और कृति, तो हमें पहले ही पता है टास्क शुरू होने से पहले ही कृति और रोशनी ने, कृति ने स्पेशली बहुत सारे टिप्स दिए थे उन लोगों को, जो जोड़ियों को, क्योंकि उनका तो पूरा जोड़ियों के पास ही था, उनका फेवर पूरा जोड़ियों के पास ही था, तो दीपिका की छोटी से छोटी गलती उनको पकड़नी ही थी। एक्चुअली वो चांस दे सकते थे, अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दीपिका को बोल सकते थे कि आप आइंदा ऐसा मत करो, बिल्कुल मत उठो, इधर उधर मत हो जाओ, ऐसा बोल सकते थे, नहीं तो हम उठाएंगे। लेकिन उन्हें कुछ चांस नहीं दिया। जब वो पहली बार उठी थी वो कुछ नहीं बोले, उसके बाद जब वो इधर इधर उधर हो रही थी, उसके बाद टॉर्चर शुरू ही था, लेकिन उनको लगा अभी दीपिका बहुत सारा टॉर्चर सहने वाली है, उसके बाद वो बोले नहीं। कृति बोलने लगी बिग बॉस आप बता दो, आप बता दो, ये उठने की कोशिश की थी उसने, तो बिग बॉस ने बोला आप संचालक को ये पूरा अधिकार दिया है, आपको जो चाहे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने दीपिका को पार्शियलिटी करके, एक्चुअली वो सीधी तरीके से पार्शियलिटी थी, दीपिका बोल भी देती है कि इन दोनों ने ये पार्शियलिटी की है और मुझे उठना नहीं था, क्योंकि दीपिका एकदम अच्छे से टक्कर देने वाली थी, ये उनको पता था। और दीपिका को कोई पसंद भी नहीं करता है जोड़ियों में, ये हमने पहले भी देखा है। उसके बाद आई थी सृष्टि, और सृष्टि को भी बहुत सब, सृष्टि की जो कमजोरी थी वो सबको पता थी, जो ठंडा पानी सृष्टि सह नहीं सकती थी ये सबको पता था, लेकिन ठंडा पानी उन्होंने डाला, लेकिन वो भी ऐसे डाला था कि उसमें शैम्पू या कुछ तो साबुन मिक्स किया था, पाउडर या उसमें बहुत सारा फॉग जमा किया और वो पानी उसमें डाला था, ये तो कोई भी नहीं सह सकता। कंटिन्यूअसली नाक में आंख में फॉग जाएगा तो इचिंग होगा ही, प्लेन पानी हम सह सकते हैं इधर उधर जाके, लेकिन फॉग वाला पानी हम बिल्कुल सह नहीं सकते। बाद में भी हमने देखा कि सृष्टि का फेस भी स्वेल हुआ था, आईज भी थोड़े से स्वेल हुए थे क्योंकि वो फॉग वाले पानी की वजह से हुए थे। और
और उसे बहुत इचिंग हो रहा था साबुन के पानी की वजह से, ओमेट भी हो रहा था वो जो बोल रही थी। और उस टाइम भी नेहा ने बहुत उसे सपोर्ट किया, सुशांत भी बहुत डांट रहे थे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसा वैसा बोल रहे थे, लेकिन कोई सुनने के मूड में नहीं था, हर कोई उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि उठ जाती है और सृष्टि जब बोलती है मुझे पानी चाहिए, और नेहा दौड़ के जाके पानी लेके आती है। जो टीम स्पिरिट है जो सेलिब्रिटी का वो बहुत ही अच्छा है, वो टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से खेलते हैं। और दीपिका जो सुशांत को समझाती है, करण जो नेहा को सपोर्ट कर रहा था, दीपिका जो नेहा को सपोर्ट कर रही थी, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जोड़ियों में सबके बीच में थोड़ी सी अनबन होती है, खुद के पार्टनर के साथ भी वो अनबन करते ही रहते हैं, और किसी ना किसी का एक निगेटिव पॉइंट निकालना रहता है उनको, और निकालते भी है। जसलीन की ये बात भी मुझे कुछ समझ नहीं आई, वो तो लोग मुझे ही टारगेट करेंगे, अनूप जी को वो ऐसे नहीं करेंगे, अनूप जी के ऊपर चिल्ली डालना, पानी डालना वैसे नहीं कर सकते, उसका मतलब क्या था? वो अनूप जी को बिठाना चाहती थी, अगर जोड़ी में से किसी एक को बिठाना है तो वो उनको बिठाना चाहती थी, यानी कि सामने वाले ऐसे पेश आए कि वो उनका एज बहुत है, उनको कुछ नहीं कर सकते, तो एक रिंग तो शायद बच जाएगी, इसकी वजह से शायद वो बोल रही थी, ऐसा मुझे लगा। आपको क्या लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। उधर रोशनी और रोशनी नाम है उसका, मैं भूल गई थी, मुझे रोशनी ही लगा, रोशनी और सबा भी होते हैं, हर एक जोड़ी में एक स्ट्रांग है और एक मेंटली स्ट्रांग है, एक फिजिकली स्ट्रांग है, ऐसी बातें चलती है। उसमें सबा बोलती है ऐसा नहीं है मैं स्ट्रांग हूं दोनों तरीके से, तो रोशनी बोलती है इमेज ऐसी है। तो अब पता चलेगा हमें नेक्स्ट डे, यानी कि कल होने वाला है सिंगल वर्सेस जोड़ी, फिर से यही टास्क, लुटेरे होने वाले हैं जोड़ी और सिंगल्स उन्हें टॉर्चर करने वाले हैं। अगर आपने सामने कांटे बिछाए हैं, किसी के सामने कांटे बिछाए हैं, तो आप फूलों की अपेक्षा नहीं कर सकते। कल का दिन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कौन ये टास्क जीतता है हम देखेंगे। कल के टास्क जो कल का दिखाया है प्रोमो, उसमें जसलीन फेंक देती है खुद की रिंग, सबा सोमी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये बहुत कुछ कुछ दिखाया गया है। टास्क के बाद भी बहुत झगड़ा होता है दीपक और सौरभ का, जो सुबह का गुस्सा होता है वो भी दीपक निकालता होगा पता नहीं क्या, लेकिन दीपक को लगता है करण का इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्यों इतना किया ऐसे वैसे वो बोलता है, पता नहीं दीपक ऐसे क्यों बोलता है। बाद में भी रोशनी और सबा की या सोमी की बातें चल रही होती है कि क्या नाम है उसको, उर्वशी एक भी चीज नेहा की नहीं बताती, नेहा की हर एक चीज उसे पता है लेकिन उसने हमें कमजोरी नहीं बताई, उसे बतानी चाहिए थी, ये सब बातें वो बोलते हैं, लेकिन उर्वशी की खुद की चॉइस है बताए या नहीं बताए, गेम अपनी तरफ है और फ्रेंडशिप अलग है, तो उर्वशी ने नहीं बताई वो एक अच्छी बात है, उसका एक पॉजिटिव इमेज है वो। आपको क्या लगता है इसके आज के एपिसोड के बारे में प्लीज बताना ना भूले। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए। टेक केयर, बाय।